अमेरिका ईरान को अपना गुनहगार बताने में लगा है, जैसे नीरज बताया, इसी वजह से उसने पश्चिम एशिया में अपने 300 और सैनिक रवाना कर दिए। ये सैनिक इसराइल नहीं जाएंगे बल्कि इसराइल के अलावा पश्चिम एशिया के बाकी देशों में तैनात होंगे। इससे पहले अमेरिका ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि उन्हें भी किसी भी वक्त पश्चिम एशिया रवाना किया जा सकता है। मतलब आखिरकार अमेरिका ने पश्चिम एशिया में पहले से मौजूद अपने सैनिकों की मदद के लिए 300 अतिरिक्त सैनिक भेज ही दिए ताकि पश्चिम एशिया में ईरान जैसे अमेरिका के दुश्मन उसके जवानों का बाल भी बांका ना कर सके। इसराइल के हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद से बीते दो हफ्तों में पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना पर कम से कम 27 हमले हो चुके हैं। 16 हमले इराक में और 11 हमले सीरिया में। दोनों जगह अमेरिका की सेना के अड्डों पर ड्रोन और रॉकेट गिराए गए। और इराक और सीरिया वो देश हैं जहां ईरान की तूती बोलती है। इराक तो ईरान का पड़ोसी है, जहां ईरान कई लड़ाकों का समर्थन करता है और वो लड़ाके ईरान के इशारे पर काम करते हैं। वहीं सीरिया ठहरा ईरान का दोस्त। यही वजह है कि अमेरिका ईरान पर भड़का हुआ है। उसका कहना है कि ईरान उस पर हमले करवा रहा है, इसलिए अमेरिका ईरान से बचने के लिए पश्चिम एशिया में थार्ड और पेट्रियट जैसे अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर चुका है। और अब अमेरिका ने अपने 300 और सैनिकों को पश्चिम एशिया भेज दिया, क्योंकि अगर अमेरिका ने यह सब नहीं किया तो उसके 45,000 से ज्यादा सैनिकों की जान पर बना सकती है, जो कि पश्चिम एशिया में तैनात है। ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। और अगर पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना ही ढेर हो गई तो ईरान का वहां राज करने का सपना पूरा हो जाएगा। और ईरान के हाथों अमेरिका अपनी इतनी बड़ी हार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 45,400 सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर फैले हुए हैं। सीरिया में उनकी संख्या 900 है तो इराक में 2,500। दोनों देशों में अमेरिका आतंकी संगठन ISIS से लड़ रहा है। पश्चिम एशिया के छोटे से देश कुवैत में अमेरिका के सबसे ज्यादा 13,500 सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका 1991 से ही वहां है। वहीं बहरीन, कतर, UAE और ओमान में भी अमेरिका की सेना है। और अपने पुराने साथी सऊदी अरब में अमेरिका ने 2,700 जवान उतारे हुए हैं। जॉर्डन और इसराइल में भी अमेरिका के सैनिक हैं। और अब पश्चिम एशिया में इन 45,000 से ज्यादा जवानों में अमेरिका के 300 सैनिक और जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ईरान की धमकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। वो बार बार कह रहा है कि इसराइल के गाजा पर हमलों का बदला पूरा पश्चिम एशिया मिलकर लेगा। बल्कि अमेरिका की इस तैनाती का ऐलान करते ही ईरान ने फिर अमेरिका को धमकी दे दी। और ईरान के रक्षा मंत्री ने ताल ठोक कर कहा कि अमेरिका को युद्ध में इसराइल का साथ देने की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर इसराइल की लड़ाई तुरंत नहीं रुकी तो उसका साथ देने वाले एक एक देश को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान ने यूरोप को लपेटे में ले लिया। यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े और अमेरिका के दोस्त देश भी इसराइल के साथ, इसलिए ईरान ने उन्हें चेताया कि यूरोप के देश समझ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी दुनिया के मुसलमानों का गुस्सा झेलना पड़े।